अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक हैं आप? आज हम नेक्स्ट पैराग्राफ की रीडिंग शुरू करते हैं, इस्लामियत की पेज नंबर 19। नमाज जुमा की अहमियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अरशाद से भी वाजिया होती है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग जुमा की नमाज छोड़ने से बाज आ जाएँ वरना अल्लाह ताला इनके दिलों पर मुहर लगा देंगे, फिर वो लोग गाफिल लोगों में से हो जाएंगे। एक और मौका पर रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जुमा की अहमियत यूँ वाजिया की कि मुसलमान जब सही तौर पर नेक्स्ट पेज पे नमाज जुमा अदा करता है तो इसके हफ्ता भर के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। जुमा का दिन हफ्ते के तमाम दिनों में से सबसे ज़्यादा फजीलत वाला दिन है। नमाज जुमा की अदा। नंबर एक, नमाज जुमा के लिए नहाकर साफ कपड़े पहनकर और खुशबू लगाकर मस्जिद में जाना चाहिए। नंबर दो, नमाज जुमा के लिए मस्जिद में जल्दी जाना चाहिए क्योंकि जो शख्स सबसे पहले मस्जिद में नमाज जुमा के लिए जाता है इसे ऊँट की कुर्बानी के बराबर सवाब मिलता है। नंबर तीन, मस्जिद में जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाना चाहिए। नंबर फोर, नमाज जुमा से कबल इमाम खुतबा देता है, इस खुतबा को तवज्जा और खामोशी से सुनना बहुत ज़रूरी है। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थ्री, नमाज जुमा के चंद अदाब बयान करें। इसका आंसर है नमाज जुमा की अदाब, ये इसकी हेडिंग है। पॉइंट नंबर वन से लेके नमाज जुमा के लिए नहाकर और लास्ट पॉइंट, इस खुतबा को तवज्जा और खामोशी से सुनना ज़रूरी है। ये क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर है। स्टूडेंट्स, इसको आपने कॉपीज़ पर लिखना भी है और याद करना है। अगर कोई क्वेश्चन लंबा है तो आप उसको हाफ हाफ करके याद करें, लेकिन रेगुलर याद करें उसको। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।